मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए जन सहयोग से खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए शहर में रैली के माध्यम से हाट ठेले पर खिलौने एकत्रित किए गए। दरअसल खरगोन जिले के बड़वा में मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार क्षेत्रीय विधायक सचिन बिल्ला और नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में भाजपा नेता और कार्यकर्ता गुरुवार सुबह नगर पालिका प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां से सुबह 11 बजे से रैली के रूप में हाथ ठेला धकाकर शहर के मुख्य मार्गों पर निकले। इस दौरान शहरवासियों ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अपने अपने घरों में खिलौने और बच्चों के उपयोग में आने वाली अन्य सामग्री भेंट की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। शहर के नागरिकों से, परिवार के साथियों से, सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी उनसे बन पड़े वो खिलौने ठेले के अंदर डाल दें, तो सभी आंगनवाड़ियों को वितरित होंगे, जिससे उन बच्चों को भी खुशियाँ मिलेगी जो कभी खिलौनों के मोहताज थे अपने पूरे जीवन में। मैम बताएं, ये जो आयोजन हुआ है किसके अंतर्गत किया गया? ये मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है एडाप्टेड आंगनवाड़ी। इस एडाप्टेड आंगनवाड़ी के तहत में हमने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमारा मध्य प्रदेश शासन है, उसने 24 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं ठेला चलाकर जन सहयोग के माध्यम से खिलौना एकत्रीकरण, उसमें हमने खिलौना एकत्रीकरण के साथ में जूता चप्पल जो भी जन सहयोग मिल सकता है हमारे आंगनवाड़ियों को, उसको समृद्ध करने के उद्देश्य से यह इसका आयोजन किया गया। और आज का जो आयोजन था उसमें माननीय विधायक महोदय सचिन बिरला जी की अगुवाई में पूरी समस्त बड़वा की जनता ने जो सहयोग दिया है वो अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय रहा है। आप उसको साकार होते हुए देख सकते हैं, जिसमें आप आज हमको मेरे ख्याल से जो हमको आज सहयोग मिला है वो जिले में सबसे ज़्यादा सहयोग आज हमको बड़वा जिले से मिला है। और इसके पीछे ये मंशा है कि गरीब जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनको समृद्ध बनाना है, और ये सरकार की जवाबदारी नहीं है कि सिर्फ कुपोषण दूर करे, और इसके साथ साथ जब जनता जुड़ जाती है किसी भी प्रोग्राम में तो उस प्रोग्राम की सफलता बहुत अविस्मरणीय होती है और वो सफलता की चरम सीमा को पार करती है। ये बच्चों को वितरण किस प्रकार किया जाए? ये हम आंगनवाड़ी वाइज वितरण करेंगे, क्योंकि शहर में 16 आंगनवाड़ियाँ हैं, और क्योंकि हम ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ शहर के बच्चों को बांटेंगे, इसमें ग्रामीण में हमारी 165 आंगनवाड़ियाँ हैं, उन 165 में इनको वितरित करेंगे। और ये आंगनवाड़ी वर्कर का दायित्व रहेगा कि इनको इनकी सुरक्षा, इनकी स्टाफ एंट्री होगी, और स्टाफ एंट्री के साथ में उन बच्चों को वितरण किया जाएगा और बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक आंगनवाड़ी वर्कर झोला लेके ठेला लेके निकलेगी, और यदि कोई किसान है तो उसे अनाज ले सकती है, कोई यदि खिलौने दे सकता है तो उसे खिलौने लेगी, चप्पल दे सकता है तो चप्पल लेगी, जिसकी जो भी सहयोग की इच्छा है वो सब करेंगी। और एक एक आंगनवाड़ी वर्कर डोर टू डोर जाकर ये सर्वे। ये अभियान कब तक चलाया? ये अभियान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय ने 24 तारीख से किया है, लेकिन ये निरंतर चलेगा जब तक कि हमको ये सहयोग मिलता रहेगा। और हमारा संकल्प है कि कुपोषण और हमारी आंगनवाड़ी को हम समृद्ध न बना दें। आयोजन हुआ है बच्चों के लिए खिलौने सामग्री के लिए। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा आह्वान किया गया था कि आंगनवाड़ियों के बच्चों के लिए खिलौनों की व्यवस्था करनी है, इसके लिए उन्होंने भोपाल में खुद ठेला धकाकर खिलौने इकट्ठे किए। उन्हीं के आह्वान पर हम सब लोगों ने विधानसभा स्तर पर बड़वा में नगर पालिका से शुरुआत की, और मैं समझता हूँ कि पूरे जिले के अंदर, जैसे अभी महिला अधिकारी बता रही थी, महिला बाल विकास अधिकारी, कि पूरे जिले में इतने खिलौने इकट्ठे नहीं हुए। हम सब लोग आज बड़वा की शानदार जानदार जनता को बहुत बड़ा उनको धन्यवाद भी करते हैं, उनका आभार भी करते हैं कि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने आज उसको सफल किया, और एक छोटा मोटा टेम्पो भर के इतने ज़्यादा खिलौने इकट्ठे हुए, जिसमें कई लोगों ने, जूते चप्पल वालों ने जूते चप्पल दिए, किराना वालों ने किराना का सामान दे दिया, और पुस्तक जो पुस्तकालय है वहाँ से भी किताबें आई हैं, खिलौने आए हैं, मोबाइल भी आए हैं, डेमो मोबाइल बच्चों को खेलने के लिए दिए गए हैं, ऐसी कई जो बच्चों के खेलने की खिलौने वगैरह हैं वो सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। भैया ये वितरण कैसे किया जाएगा बच्चों को? ये हम लोग आंगनवाड़ियों को अभी महिला बाल विकास की जिला परियोजना अधिकारी भी हमारे बीच में है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी आंगनवाड़ियों को खिलौने वितरित किए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में
लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।